हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपको ड्राई छोले बनाना बता रहे हैं। ये सूखे मसाला वाले छोले मैं आपको बताऊंगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये एक कप चनों को अच्छे से धोकर, काबली चने को बड़े वाला मैंने लिया है, अच्छे से धोकर इसको ओवरनाइट सोक किया था पानी में और अब उसके ऊपर का पानी मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं चना कितना बड़ा बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा है। और ये लिया है मैंने दो सूखे आंवले, जिससे हम थोड़ा कलर देंगे और टेस्ट में भी फर्क आएगा। ये हमने एक चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है और ये लिया है पानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, गैस पे छोले को चढ़ा दिया है और पानी इतना डाला है कि छोले अच्छे से डूब जाएं, आधा इंच के करीब उसमें ऊपर रहे। अब हम डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच तेल, जिससे छोले ना बिखरेंगे नहीं। दो ये सूखे आंवले डाल रहे हैं हम इसमें, दो से तीन पीस। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं क्योंकि नमक हम बाद में भी यूज करेंगे, तो अभी थोड़ा कम ही डालेंगे। और यहां मैं डाल रही हूं एक पिंच बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे और प्रेशर कुकर को करेंगे बंद और दो तीन विसल आने के बाद हम गैस को कर देंगे ऑफ। तो देखिए अब तीन विसल आने के बाद हमने पांच मिनट इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर रखा, बिल्कुल सिम पर रखा और अपने आप कुकर को ठंडा होने दिया। अब देखिए उसका नतीजा ये है कि बहुत अच्छे से जो चने हैं वो हमारे गल गए हैं। देखिए गरम है अभी, ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं, टूटे भी नहीं है। ये हम जब एक चम्मच तेल डालते हैं तो इनका छिलका वो अलग अलग नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट हो गए। ये जो हमारे चने हैं हमने इनको स्ट्रेन कर लिया है, जो इसमें ये आंवला है ये हम निकाल के बाहर कर देंगे और ये पानी को अब हम मसाला घोलने में थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको इधर बताती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने दो हरी मिर्च को स्लिट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, दो तीन टेबलस्पून है कटा हुआ, एक चम्मच जीरा लिया है, एक इंच अदरक के मैंने जुलियंस काट लिए हैं और ये मैंने कसूरी मेथी ली है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये भी मैंने एक चम्मच ली है। दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक टेबलस्पून मान सकते हैं आप। एक चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है जो कश्मीरी है, कश्मीरी लाल चिली। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, काला नमक, सादा नमक मैं बाद में डालूंगी। और ये मैंने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच और ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है आधा चम्मच, ये आप जरूर यूज कीजिएगा, इससे ये बहुत टेस्टी सूखे छोले बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो छोले का पानी था इसी को हम इसमें डाल लेंगे और इस मसाले को पेस्ट बनाएंगे। ये आप पहले से बनाकर रख लीजिए ताकि जब आप चने बनाएं तो एकदम आपका जो मसाला है वो जले नहीं, इसलिए पहले आप इस मसाले को पानी में घोल कर रख लीजिए। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, तीन टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने इसमें, थोड़ा ज्यादा ऑयल यूज कर रही हूं। वन पिंच हम इसमें हींग यूज करेंगे, वन टू टू पिंच हींग यूज कर रही हूं। और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा। तेल बहुत तेज गरम ना करें शुरू में ताकि हमारे मसाले जो है वो नहीं जलें। जीरा को थोड़ा सा हिलाएंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे ये हरी मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं कहूंगी अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप इनके सीड्स निकाल के इनको यूज कीजिए क्योंकि हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भुनने देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और यकीन मानिए ये छोले जो हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमारा जीरा भुन गया है, हमें ज्यादा काला नहीं करना है, हरी मिर्च भी फ्राई हो गई है और इसी के साथ डालेंगे हम ये बना हुआ हमारा पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे
मिक्स करेंगे इसको और एक मिनट के अंदर अंदर देखिए आप ये इस टाइप से ऑयल छोड़ देता है, खुशबू आ जाती है बहुत अच्छी। और उसी समय हमें ये चने इसमें डाल देने हैं और इसको करना है अच्छे से मिक्स। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे। ये चने खाने में इतने स्वाद लगते हैं कि जब आप खाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि यस ये चने बहुत टेस्टी हैं। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सादा नमक, आप चक्कर डालिएगा क्योंकि बॉईल करते हुए भी हमने डाला है। और इसमें डालेंगे हम क्रश की हुई कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट भूनते हुए हो गए हैं, अब हम डालेंगे इसमें ये चना मसाला, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, वो भी हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। थोड़े से अदरक की जुलियंस हम आप इसमें इस समय डाल सकते हैं। और ये देखिए इसको अच्छे से भूनेंगे हम, कितना बढ़िया ये बन गया है। देखिए 2-3 मिनट हमने फिर भून लिया है और ये बहुत अच्छे से कोट हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लग रहा है। थोड़ा सा धनिया हम इसमें इस समय डाल देंगे, थोड़ा सा हम बाद में गार्निश करेंगे। और ये देखिए यमी से चने बनकर तैयार हैं। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए एक एक चने पर मसाला जो है वो कोट है, आप देखिए, और बहुत अच्छे से सिक गए हैं, बस आपको भूनना है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ अदरक के लच्छे जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और इसको टेस्ट को 4 चांद लगा देते हैं। ऊपर से डालेंगे धनिया। तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।